जय माता दी सभी को। स्वागत है आप सभी को चैनल में। एक बार फिर से आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। कई लोग कई सारे साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता। उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कारण होता है कि साधक को खुद पता नहीं होता कि इसके कारण से मुझे अनुभव नहीं हो रहा है या पूजा पाठ साधना का फल नहीं मिल रहा, लेकिन वो कारण उसके इष्ट या भगवान के और उसके बीच में आ रहा होता है। वो क्या कारण है? तो वो है पितृ। पितृ अगर दोष है या फिर कोई ऐसा पितृ है जो कि अपने मृत्यु के बाद का जो यात्रा होता है उन पर नहीं गए हैं, जो कि अभी भी प्रेत योनि में है, वो बैरियर बन सकते हैं आपके मतलब भगवान के और इंसान के बीच में। और कैसे मतलब जो पितृ होते हैं आकर बैरियर बनते हैं, तो वो होते हैं अकाल मृत्यु में अगर कोई मरा हो, जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई हो, वो व्यक्ति बीच में बैरियर बनते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई 40 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका जो वास्तविक एज मतलब पूरा लाइफ टाइम था वो था 80 वर्ष, तो ये जो 40 वर्ष है वो 40 वर्ष प्रेत योनि में अपने ही सगे संबंधियों के आसपास प्रेत योनि में रहकर वो अपना जीवन काटेगा और उसके बाद उसके आगे का यात्रा शुरू होगा। तो इस 40 वर्ष में वो अपने सगे संबंधियों के मतलब अगर उसके कोई अंतिम अधूरी इच्छा रही हो और उसे ना मिला हो, तो उसके लिए वो अपने घर परिवार को परेशान करना शुरू कर देती है, अध्यात्म में बाधा लाने लगती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, हम लोगों के मन में ऐसे भी प्रश्न आते होंगे कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर बीच में कोई अड़चन भी आती है तो वो क्यों नहीं हटा देते? तो देखिए, हम अभी एक माया में जी रहे हैं और इसका एक मतलब विधि विधान और नियम है जो कि हमारे शास्त्र वेदों में बताया गया है कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए। ये जो नियम है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ कर सकते हैं, वो किस स्थिति पर लागू होगा? जब आप भक्ति के परम सीमा पर पहुंच गए हो, जब आपको हर व्यक्ति हर वस्तु में खुली आंखों से भगवान के दर्शन हो, खुली आंखों से, यहाँ मन की आंखों से नहीं, खुली आंखों से बात कर रहा हूँ, अगर खुली आंखों से दर्शन हो, उस स्थिति पर आप पहुंच गए हो, तब आपके लिए इस मायामयी संसार में मायामयी संसार का कोई भी नियम लागू नहीं होता, या फिर आप संन्यास ग्रहण कर चुके हो तो अब आपको इस माया का मतलब कोई भी नियम लागू नहीं होता। लेकिन आप गृहस्थ हो अभी, हाँ, जो कि हम सब लोग हैं, अभी जो ये वीडियो सुन रहा है शायद सभी गृहस्थ होंगे, वो स्थिति पर नहीं पहुँचे होंगे, तो उनके लिए ये मतलब पितृ का और ये सब सारे नियम लग जाते हैं और हमें मानना भी पड़ता है। तो इस तरह से होता है। मैं अपने स्वयं का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, मैं बचपन से पूजा पाठ करता था, ठीक है, मेरे को पता भी नहीं था कि साधना करने से इस तरह के अनुभव होते हैं, स्वप्न में दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, इस तरह के मतलब शरीर में मतलब कई तरह के मतलब ये जो हम साधनाओं में अनुभूतियाँ जो हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब होते हैं, मतलब इस तरह का मेरा कोई कंसेप्ट नहीं था भगवान के ऊपर। मेरे भगवान के ऊपर क्या कंसेप्ट था कि एक शायद आप लोगों ने सुना होगा कि मन में है एक विश्वास आता था ना, सीरियल टाइप का, हाँ, तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो कोई ना कोई पहुंच जाता है मतलब उसे बचाने के लिए, या फिर वैसा किस्म का एक धारणा था भगवान के ऊपर कि वो इस दुनिया में दखलअंदाजी नहीं करते, किसी तरह का अनुभव नहीं होता, लेकिन बस एक है और वो मृत्यु के बाद उन सबका कुछ होता होगा, मतलब इसी तरह का कंसेप्ट था। लेकिन क्या होता है कि मेरी अध्यात्म जीवन शुरू होने से 2-3 महीने पहले मतलब मेरे जो डेली का जो लाइफ था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। तब कहीं पर से कानों में ये बात पड़ी कि किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं। वहाँ तक मेरे को यहाँ तक भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये भी नहीं सुना था, मतलब जब मैं अध्यात्म में आने वाला था ये तक नहीं पता था कि किसी के शरीर में देवी देवता भी आते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पर माता रानी का एक खेल देखिए कि जब मैं तैयार नहीं था, मतलब जब तक मैं तैयार नहीं हुआ था स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, तब तक कोई भी ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं पहुंची जो कि साधना से जुड़ा हो, शक्ति के अनुभव से जुड़ा हो।
जैसे मैं साधना से 2-3 महीने पहले जब सुनता हूँ कि किसी के पास में शरीर, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं, तो मैं और मेरी माँ जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक मेरे घर के आसपास में एक देवी का शक्ति स्थान है, तो वो देवी के स्वरूप में आती है और कहती है, बेटा पहले तू मेरे मंदिर में जा, मत्था टेक और फिर वहाँ यहाँ पर आ, तुझे खुद पता चल जाएगा क्या समस्या है। क्या है कि मेरे जन्म से माता रानी की कुछ मतलब एक सुरक्षा कवच के हिसाब से, मतलब मेरी चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच लगी हुई होती है, अभी भी है, और वो माता रानी की तरफ से ही है मुझे मिला हुआ, वो भी मेरे जन्म के पूर्व से ही। तो और उस चक्र के कारण मतलब कोई भी पितर हो या फिर कोई हो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी इफेक्ट करता था। तो जब मैं मत्था टेक कर आया और वहाँ पर पहुँचा, तो एक मेरी चाची थी जो कि उस समय से 12 बरस पहले गुजर गई थी, कहीं पर जा रही थी और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही हमारे घर में समस्याएं आने शुरू हुए थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ था कि मृत्यु के वक्त वो पानी के लिए तरस रही थी, मतलब बिना पानी पिए मर गई। और हाँ, देखिए प्रेत योनि में जाता है उन्हें सब चीज़ फील होता है लेकिन वो भोग नहीं कर सकते। तो उसका क्या उपाय निकला था कि हमें, मुझे, क्योंकि देखिए मेरे जो परिवार है उनमें कोई उतना ज़्यादा अध्यात्म में रुचि नहीं लेता जितने भी खानदान है, सिर्फ हमारा ही घर परिवार है जो कि अध्यात्म में रुचि लेता था। और उसके बाद मम्मी पापा बीमार होने के बाद मैं ये सब मतलब ये सारा पूजा पाठ का जो था, कुल देवता का पूजा, ये सब मैं ही करता था, बाकी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो जो पितृ आत्मा थी उसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद था कि ये बच्चा मेरे को मतलब मेरा जो इच्छा है वो पूरा करेगा, क्योंकि बाकी को तो कोई ये अध्यात्म से कोई मतलब नहीं था। तो इस हिसाब से वो मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे कष्ट देने लगी थी ताकि इसे पता चले कि मैं इसे ये सब कर रहा हूँ, और ये कॉन्टैक्ट करने का मतलब किसी भी तरह से बचने का उपाय करे और मैं इससे बात करूँ और मेरा जो इच्छा है वो पूरा हो। तो इस तरह से मुझे उनकी इच्छा पता चला। उसके बाद मैं दुखी भी हुआ था कि कोई ऐसा स्थिति में कैसे रह सकता है। उसके बाद मैंने उनको मतलब पानी दिया, उसके बाद जो और भी एक दो इच्छाएं थे वो सब पूरा किया। उसके बाद से आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी तेज़ी से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई। जो व्यक्ति आज के समय में 2 माला जाप कर रहा है वो आज के 10 दिन बाद 1.25 लाख का अनुष्ठान कर देता है, और आज के 3 महीना बाद एक बैठक में 250 से लेकर 300 माला तक नवाड़ मंत्र का जाप कर लेगा। देखिए इस तरह का कैपेसिटी मेरा बढ़ता गया, मतलब मैं साधना पर साधना करता गया, इस हिसाब से मतलब मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई थी। और कारण क्या था बैरियर, तो बस एक मेरी मतलब पितृ आत्मा, वो अभी भी मुक्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनका जो इच्छा था जिसके लिए वो तड़प रही थी वो मैंने पूरा किया। समय समय पर उनके लिए जाप कर देता हूँ, मतलब हवन कर देता हूँ श्राद्ध के समय में। तो इस हिसाब से मतलब मेरा जो बैरियर था वो हटा और मुझे प्रचंड अनुभूति होने लगे। जब मृत्यु हुई थी उनकी 12-15 बरस पहले, तब कहीं पर से समाचार आया था कि उनकी मृत्यु हो गई है। तब हमने मतलब जो घर में जो खाना ना खाना वो जो सूतक में जो किया जाता है वो सब किया था। देखिए ना मुझे उनका शक्ल याद था ना कुछ, और फिर भी वो मेरे पास आ गई। क्यों? क्योंकि रक्त संबंध। तो इस तरह से होता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो एक बार आप पितृ चेक, मतलब अपने पितृ में अगर कोई ऐसा कुछ है तो आप जरूर एक बार चेक करवाइए, जिनके पास सवारी आती है या फिर कुछ और उपाय है वो करिए। तो इससे आपको मतलब जो बाधाएं आ रही थी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के, वो आपके हट जाएंगे और आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय माता दी।